करने वाले तो कर गए। चुप हो जाओ। वाह, बहुत हो गया दोस्तों, थोड़ा सुकून से रहो, मुझे भी कुछ सोचने का मौका दे दो। तुम लोग बोलते रहोगे तो मैं कैसे सोचूंगा। नाजली जान, डेफने कहाँ है? सर वो तो चली गई। उसे तो भागना ही था, मुझे तो पहले दिन से उस पे शक था। मुझे भी नहीं आ रहा यकीन, सच में ऐसा कैसे हो गया। बस निकलो बाहर सारे, निकलो। Beklemekte acılar gözlerini dikmiş üstüme.
उमर, शायद तुम्हारे मेहमान आए हैं। तुम सिरान सर से बाद में मिल लेना अगर चाहो तो। क्या हम बात कर सकते हैं? इस मसले के ऊपर बात करना लाजमी है। क्या ये ठीक नहीं है? मतलब ये झूठ नहीं है कि डिजाइन ट्रामा को बेचा है? उमर, जो डिजाइन हमें पसंद आया था वो तुम्हारा था और तुमने मुझसे ये छुपाया। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इसकी एक वजह थी। काश वो वजह तुमने मुझे बेचने से पहले बताई होती। टेपनी ऐसी बात नहीं है यार, ऐसे तो बताने वाली तुम्हें बहुत सारी चीजें हैं उमर, लेकिन उन सब मसलों के ऊपर बैठकर बात करना जरूरी है। पैसों का मसला है क्या? और वो तुम्हारी कोरे के साथ बातचीत करना, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्या छुपा रही हो मुझसे? यकीनन कुछ छुपा रही हो तुम। डेफनी मैं तुम्हें अपनी हर बात बताता हूँ और तुम मुझसे हर बात छुपाती हो। कहने को मेरे पास हो, मेरे साथ हो तुम, लेकिन देखो तुमने मेरे पीठ पीछे क्या किया। हाय, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो डिजाइन मेरे लिए बिल्कुल कीमती नहीं था। मुझे लगा कि आपको वो पसंद भी नहीं आएगा, बस इसी वजह से। मसला ये नहीं है कि तुमने डिजाइन हमें नहीं दिया, मसला ये है कि ड्रामा को बेचा। तुम जानती हो उसे, ऊपर से तुमने ये बात छुपाई। हाँ तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन डेफनी अब मैं बहुत थक चुका हूँ। हर बार मैं तुम्हें समझाता हूँ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये जो सब तुमने किया इसके बारे में सोचने दो तुम मुझे। क्यों किया ये मैं नहीं जानता। कुछ गलत नहीं करना चाहता। क्या मतलब कुछ गलत? ठीक है तुम थोड़ा सोच लो। तुम एक और बात, वो मंडे को शादी है ना, मेरे घर वाले खुश हो गए थे कि उमर आएगा, तो इस वजह से मतलब तुम आना पसंद करोगे क्या मेरे घर पर? लेकिन इन हालात में शायद ना आ पाओ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर बात करेंगे आप। Ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum. Gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandım. Hayal aslında, korktum.
उमर, तुम कुछ बोलोगे क्या? चाचा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। दिमाग में इतना कुछ है कि क्या बोलूं। उमर, वो तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मुझे उम्मीद है तुम सुकून से सुनोगे। हाँ बताओ बताओ, सब बुरा ही हो रहा है ना? पहले भी कुछ हुआ है। वो एलिफ है ना, याद है ना तुम्हें? वो घर की छत ठीक करते करते गिर गया। क्या, छत से? कैसा है वो? बहुत बहुत बुरी हालत है उसकी। शबनम ने फोन किया था। उसने फोन किया? हाँ, उसकी दोनों जगह से टांग टूट गई है। उमर, या अल्लाह तौबा, बस लेटा हुआ है और लेटे लेटे उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या वो बुला रहा है हमें? हाँ, हर वक्त लेटा रहता है ना, तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी तंग आ गए हैं उससे, और फिर उसने हमसे गुजारिश की है। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बातचीत हो जाएगी। तुम सुबह निकलना और एक रात रुक कर वापस आ जाना। क्या कहते हो, चले? हाँ चलते हैं। भाग दौड़ करने वाला इंसान इस तरह अचानक बेड पर लेट गया। मेरे खुदा। उफ डेनिस, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे धोखा दे दिया क्या? चलो अच्छा, जरा मैं बाल ठीक कर लूं। मेरी जान, आए हैं, खुश आमदीद, वेलकम। कोरे? प्यारे उमर। कोरे? हाँ जान, सनान। क्या हो रहा है? तड़प गया हूँ मेरी जान। वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाय, मैं भूल गया सब कुछ, लाइन कट गई एकदम। हाय, तुम्हें खुश आमदीद कह रहा था, तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था मैं, तुम आ गए। आओ ना, आ जाओ। उमर मेरा शहजादा है, शहजादा। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अजीब से लड़के, चलो। हाय, कोई और तो नहीं आया? नहीं है। आओ मेरी जान, आओ आओ, बैठो बैठो। उमर जान, सिनान जान, कोई है? हमारे लिए कुछ लेकर आओ। तुम लोग बैठो मेरी जान, बैठो। हाँ बैठो। अरे मत पूछो मेरे साथ क्या क्या हो गया आज। मैं अपने कपड़े कहीं फेंक आया, क्या बताऊं तुम लोगों को। अरे सुन लो, अरे जाहिल कहीं के, मैं चेंज करके आता हूं। यार उमर, ये एल्प शबनम का मंगेतर है ना, इसका क्या काम है यहाँ पर? मुझे क्या मालूम सिनान कि कोरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे साथ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग बैठ गए ना, आराम से बैठो, सुकून से, अपना ही घर समझो इसे। ये मैं क्या कह रहा हूँ, घर अपना नहीं समझो, मेहमान हो तुम। कहीं बाद में कहोगे घर मेरा है। वैसे तुम इतने गरीब भी नहीं हो जो ऐसी हरकतें करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। हाय अल्लाह, हमारी किस्मत तो देखो। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन तुम्हारी तो पूरी टांग टूट गई। क्या हो गया हमारे साथ, क्या हो गया, क्या क्या नहीं किया, सदका तक निकाला था मैंने, खैरात की थी। हाँ तो कहाँ है वो? कौन मेरी जान? एल्प और शबनम यार? पता नहीं। क्या यार, बताओ ना यार, कहाँ है वो लोग? अरे भाई मुझे नहीं पता, मेरी जान छोड़ दो ना। हाय, छत से गिर गया जैसे कोई बस से टकरा गया हो, तबाह हो गया, तबाह। कोरे,
एलिप के साथ कैसे हुआ ये सब? जी हाँ जान, छत से गिर गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास आया तो था जब वो गिरा। नहीं जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। फिर क्या? मुझे कितना दर्द हुआ तुम जानते हो इस बारे में? तुम्हें कैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ उमर, सिनान। ओह शबनम, कहाँ थी तुम? कब आए तुम लोग? मैं इंतजार कर रही थी। आ गए तभी तो सामने खड़े हैं। अरे कोरे, तुमने बताया नहीं मुझे, और आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? कोरे, अफसोस की बात है। चलो अंदर चलते हैं, एल्प को आप लोगों की जरूरत है। कोई मौका तुम जाने नहीं देते हो। कोरे तुम भी ना अजीब इंसान। जाओ भाई जाओ, मुझे इससे क्या? मुझे कौन सी लिफ्ट कराई तुमने? इतनी अच्छी बातें कर रहा था, मेरी बात भी नहीं सुनी अपनी शबनम की वजह से। वो ज्यादा जरूरी है ना तुम्हारे लिए। ए लड़के, ए लड़के जल्दी से इधर आ जाओ, दड़बे से अंडे लेकर आने हैं। मुझे मुर्गियों से डर लगता है, वो मुझे तंग करती है ना। अच्छा किया मैं आ गया। एल्प देखो कौन आया है। ओह सिनान सर। बेटा तुम्हारी तो काफी हालत बुरी हो गई है। मेरी हालत तो आप लोग ने देख ही ली है। आइए बैठिए। चलें आप लोग बात करें। ठीक, कब से ऐसे लेटे हुए हो? 6 महीने का कहा है डॉक्टर ने, कहा है 6 महीने तक हिल नहीं सकते। बुरा हुआ। खैर आप लोग आए, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी हालत देख के खुशी हुई। डेफनी कैसी है, उसको भी ले आते। बस यार छोड़ो, फिर बताऊंगा। तुम बताओ। बस देख रहे हो। अरे हाँ हाँ हाँ, ताजियत के लिए आए हैं ये लोग, इन्हें लगा कहीं तुम मर तो नहीं गए। कोई अच्छी बात भी कर लिया करो यार तुम। अल्लाह, हाँ ये बात भी है। खैर छोड़ो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आया कि तुम मर चुके हो। जब भी मेरे ख्यालात में कुछ आता है वो बाद में सब में शेयर कर देता हूँ। तुमने तो मुझे दफन ही कर दिया यार, क्या कह रहे हो भाई। यार वैसे भी एल्प से हम मिलने वाले थे, तुम कहाँ से आ गए यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरी जान जैसे ही खबर मिली आ गए, सांस लिए बिना आए हैं, इसी वक्त आ गए ना। मुझे देखो, मैंने कहा कि तुम्हारा दोस्त मौत से लड़ रहा है, तुम्हें जल्दी जाकर उससे मिलना चाहिए। इतने बड़े लोग हो, कुछ तो सीखो मुझसे। एक बात बताऊं, ये सिर्फ ड्रामा देखने यहाँ पर आया है। हाय ड्रामा। यार तुम बेवकूफ तो नहीं हो, सच बताओ मुझे। हाय उमर, देखो क्या कह रहा है। अरे ठीक है कोरे, हम यहाँ एलिप का हाल पूछने आए हैं, ना कि उसका दर्द बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आप लोग यहाँ पे आए। शुक्रिया की बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह सेहत दे तुमको। और सुनाए क्या चल रहा है आजकल? ड्रामा। चुप हो जाओ यार, बहुत हो गया। चिल्लाओ मत मुझ पे। या अल्लाह, हाय अल्लाह, फाल निकालने का वक्त हो गया। मकबूल, फाल का टाइम। हाय बेचारा, देखो मरते मरते बचा है। चलो चलो मैं चलता हूँ। चलो चलो चलो, बाद में मिलूंगा, हटो ना। हद है यार, हद है। चुप। बाबा जान। जी बेटा। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? क्या मतलब? सिनान के बारे में। उसके बारे में जो कहना था कह दिया मैंने। जानती हूँ, आपने उससे बात की है, इसी वजह से वो मुझसे दूर भाग रहा है। बेटा। बाबा देखें, मैं सोच रही हूँ कि इश्क को एक बीमारी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं आप लोग। आप अम्मी पर आशिक हुए थे, फिर शादी की, अब मेरी बारी में क्या मसला है आपको? क्यों सोच रहे हैं कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए? क्या है ऐसे ना सोचूं? अगर हम सोचें तो कोई मसला है? मैं क्या चाहता हूँ जानती हो तुम? तुम पे यकीन करना चाहता हूँ, मैं फिर से दुख झेलूं ये नहीं चाहता हूँ। इस इश्क के चक्कर में तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे बस इस बात का ही डर है। क्या तुम यकीन से कह सकती हो तुम्हें कुछ नहीं होगा? बोलो, कह सकती हो ऐसा? नहीं कह सकती, नहीं कह सकती, लेकिन ये इश्क नहीं खत्म होगा, मैं जानती हूँ। बेटा। बाबा, बाबा जान देखें, हमारे जज्बात हमसे जुड़े होते हैं और इस पे हमारा काबू नहीं है, इसलिए आपको मेरे जज्बात पे यकीन करना होगा।
उसके साथ गुजरी जिंदगी उसके बगैर गुजरी जिंदगी से जैसे भी हालात हो ज्यादा ही अच्छी होगी। मुझ पर यकीन करें बाबा, मैं सिनान से प्यार करती हूँ, मुझे इजाजत दे दें प्लीज, इजाजत दे दें कि मैं इसको जी लूं प्लीज। अरे शबनम, इतनी तकलीफी क्या जरूरत थी, हमें ही बता दिया होता। हाँ, मैं तो ये कहने वाला था कि आप क्या कैलिफोर्निया में रहती हैं? हाँ अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है यार, काश इस हादसे से पहले मिलते, अभी भी बहुत अच्छा हुआ है यार, और वैसे भी आजकल हमारे हालात ठीक हैं। बताओ जरा हुआ क्या है, उमर से तो नहीं लगता कि वो कुछ बताएगा। सिनान तुम बताओ। पिकनिक का टाइम। हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरी जान? बारिश कभी भी हो सकती है, हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, कुछ भी कभी भी हो सकता है। हाय, पिकनिक पे तो जाएंगे ना हम? हाय, पूरा दिन काम कर करके थक जाता हूँ, पक जाता हूँ मैं। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ कोरे, तुम ठीक कह रहे हो, बगैर पिकनिक के मजा तो आता ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन एक काम करते हैं, शाम के वक्त कर लेते हैं, अभी तो बहुत जल्दी है ना कोरे। मुझे नहीं पता था कि आप लोग आएंगे, वरना कुछ अच्छा बना लेती। मैं हल कर लूंगा। मेरी जान, तुम क्या हल करोगी, तुम पिकनिक कराओगी क्या? फिक्र ना करो, कर लूंगा मैं, गोश्त भी ले आऊंगा, तुम बस आराम करो, यहाँ सारे काम हो जाएंगे अगर तुम हमारे कामों के बीच में ना हो तो। कर लेंगे कोरे, कर लेंगे। हाय उमर, पिकनिक तुम करोगे, मजा मुझे आएगा। ठीक है कोरे। रेड मीट भी होना चाहिए। ठीक है। बहुत मजेदार। हाय, खाने का नाम सुन के भूख लगने लगी, कोश का नाम सुन के भूख लगने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो गया मेरा। हाय, कुछ खाने के लिए ले आए क्या? हाँ, ये मुरमू में क्या डाल दियो, चल रहा है मेरा मुंह। मेरी जान, आलूचा है अदाना का, बहुत कड़वा है, कोई मीठी चीज है क्या? हाँ हाँ, चलो आओ मेरे करीब आओ, मेरे पास है एक मीठी सी चीज। दूर दूर दूर। अरे नरमीन, ये अंगूर तो खा लेती। हाय कोरेश बेबी, माय डार्लिंग कोरे, हैं? हाँ, क्या हुआ? रुको फिर थोड़ा सा इंतजार करो, हम अभी आते हैं, तुम हमें बाकायदा इनवाइट कर लो ना। नरमीन क्या हो रहा है? करो करो इनवाइट करो, बल्कि रुको मैं खुद कॉल करती हूँ शबनम को। नरमीन बताओगे मुझे जरा? हेलो शबनम, हमें अभी पता चला, बहुत अफसोस हुआ, बस मैं आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें अफसोस है, बल्कि नजबी भी साथ आ रहा है। अरे नरमीन क्या बात हो रही है, आखिर मुझे बताओ तो। ठीक है मेरी जान, फिर मुलाकात होती है जल्दी तुमसे, बाय। हाँ तो मुझे अब जरा बताओ क्या बात कर रही थी। अरे जल्दी करो, जाना है। कहाँ जा रहे हैं हम? एलेप की तरफ। अच्छा एलेप, पता चला मुझे, उमर लोग भी वहीं पर हैं। हाय नजमी, तुम्हारे मुंह में मिर्चा लगाऊ मैं? ऐसी बात तुमने कैसे छुपाई मुझसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे सबसे आखिर में पता चल रहा है इस बात का, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? अब चलो ना जल्दी से, शबनम के घर जाना है, नजमी देर हो रही है। अरे नरमी चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। हाय नजमी, यानी सब कुछ हाथ से छीन लिया, सारा मूड खराब कर दिया, मैं तो एक कोने में आ चुकी हूँ, इंसानों से बहुत दूर कर दिया है मुझे, ऐसे ही हो गई हूँ मैं अपने नजमी कि अपनी मर्जी से फैसला तक नहीं कर सकती कि कहाँ जाना है अब। ठीक है, जैसा तुम कहो बेगम, ठीक है इधर आओ, बस चुप हो जाओ, जैसा तुम कहो। चलो चलो चलते हैं फिर। वादा करो, वादा करो कि उमर को तुम तंग नहीं करोगी। हाय मुझे क्या उमर से, और वैसे भी मैं अब उमर से बात नहीं करती नजमी। इधर तो आओ भाई। आए अम्मी, आहिस्ता चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा ड्रेस फाड़ दूंगी। हाँ बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, फिर जान छूट जाएगी आपकी, और फिर जब आप अकेली होंगी तो मेरा यही चिल्लाना बहुत मिस करेंगी आप। सही कहा ना डैफनी? डैफनी हाँ हाँ बोलो। कहाँ गुम हो? मैं जरा चाय देख कर आती हूँ। अम्मी क्या हो रहा है यार, ये हर कोई पागल हुआ हुआ, लोग शादियों में इतना कुछ देते हैं और यहाँ तो सिर्फ बोरियत ही मिल रही है। बहुत अच्छे, बहुत प्यारी लग रही हो। सच्ची
जाने दो बस, तुम्हें क्या हुआ? तो बताओ क्या सूरत हाल है तुम्हारी और उमर की? पता नहीं, मुझे सोचना है यार कि क्या करूं, उमर ने भी सोचने के लिए टाइम लिया। तो ये बात है, वो तुम्हें अब सोचने का टाइम भी दे रहा है। अरे निहान यार, शादी है, किरदार कशी करना छोड़ दें क्या अभी हम? खैर पता नहीं क्या होगा, पैसे भी नहीं है यार मेरे पास, पैशंस भी नहीं जा सकती, जलील हो गई हूँ कसम से। तो फिर लोगों को ये मेल किसने भेजी कि डेफनी ने डिजाइन बेच दिए? वैसे ये इंसान है कौन आखिर? कोरे सर, सुना है मैंने कि उन्होंने ही भेजी है, लेकिन मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि उनकी नीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है। डेफनी, तुम्हें यकीन है? उफ निहान यार, कसम से क्या करोगी तुम? उमर मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, इससे अहम और क्या बात हो सकती है? हाँ हाय, मुझे ये फाइनेंस के चक्कर वक्कर समझ में नहीं आते, मेरा दिमाग कसम से घूम जाता है बिल्कुल। इस भरी जवानी में मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, आराम से रहना चाहता हूँ मैं, और सबसे प्यारा लगना चाहता हूँ। पता है अगर मैं मॉडलिंग बन जाऊँ तो लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ, पर मेरा दिल नहीं करता कि ये छोटा सा काम मैं करूँ। अल्लाह पता नहीं कौन सी रात थी वो, मुझे याद ही नहीं। हाँ अम्मी ने बताया था जब मैं पैदा हो रहा था तो आसमान के सारे सितारे एक साथ चमकने लगे थे। पता है मैं पैदा हुआ, अल्लाह कितना खूबसूरत था मैं, इतना खूबसूरत बच्चा किसी का ना था। उमर मेरी जान, तुम मुझे सुन रहे थे? तुम्हें लग रहा होगा तो तुम किसी लड़की की बात सुन रहे हो। गोरे चलो आओ इधर बैठो, चलो। बैठ जाता हूँ मैं, तुम कहते हो तो। हाँ मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कोरे, तुम वादा करो कि गुस्सा नहीं हो? वादा? वादा? चलो पूछता हूँ। मैं मजाक कर रहा था जानी, मुझे मजाक करने की कितनी आदत है तुम जानते हो। अच्छा चलो चुप हो जाता हूँ, तुम बात सुनाओ अपनी। कंपनी में तुमने ईमेल की थी कि डेफनी ने डिजाइन बेचा है? मजाक कर रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? किसको बेची तुमने, मुझे बताया भी नहीं। कोरे तुम्हें वाकई नहीं पता कि वो डिजाइन बिक गया है? कैसे कर लिया तुमने, तुम तो ज़हीन हो बहुत। किसको बेच दी तुमने? हाय मुझे कैसे पता चलेगा? डेनिस ट्राम्बा को। डेनिस ट्राम्बा? हाय यकीन नहीं आ रहा, तुम ये कैसे कर सकते हो? फिर ये मैसेज किसने किया है उमर? यही तो पता नहीं चल रहा सिना। देखो नरमीन, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, कहीं हमारी वजह से तंग ना हो जाए वो। ऐसा कैसे हो सकता है नजमी, मतलब अगर तुम बीमार हो तो क्या तुम्हें कोई देखने के लिए घर पर नहीं आएगा क्या? होंगे नरमीन, होंगे। मैं घर में अगर बीमार पड़ा हूँ तो लोगों का क्या काम है भाई? अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, बस हमें उसको देखने के लिए जाना है ना नजमी। चलो अब बस देर हो रही है, क्यों नहीं समझ रहे तुम? अगर हो गया तो चले। अरे तुम नहीं भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, क्या करोगी वहाँ? आराम से घर में बैठो, बोर हो जाओगी वहाँ तो। नहीं अम्मी जान, मैं भी आना चाहती हूँ आपके साथ, चले। सोच लो बेटा, तुम्हारी अम्मी वहाँ पर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगी, तुम घर में सुकून से रहो। अफसोस की बात है नजमी। अच्छा चलते हैं अब, बहुत देर हो रही है, चले अम्मी गाड़ी में बैठे। हाय नजमी, सूते ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि सिनान भी वहाँ पर है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखो नरमी, जब लोग वहाँ पर होंगे तो जाहिर सी बात है मुलाकात तो होगी, अब ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। बैठो। अच्छा ना बैठ रही हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ भाई, तुम्हारी यह हालत अभी ही होनी थी। मेरी बात छोड़िए, अपनी बताइए, आपको क्या हो रहा है आजकल? छोड़ो एलेप, अब क्या समझाऊं मैं तुम्हें? डेफनी का ही मसला है ना? मत पूछो, इश्क। एलेप इस इश्क ने तो मेरी कमर ही तोड़ कर रख दी है, क्या बताऊं तुम्हें? तुम एक मजबूत इंसान हो, कुछ नहीं होगा। मुझसे झूठ बोला, और वो भी एक बार नहीं, पता नहीं क्या छुपा रही है मुझसे। उसने इस बार नाकाबले बर्दाश्त काम किया है एलिप। ऑफिस में अपने डिजाइन को मुखालिफ कंपनी को बेच दिया, ऐसा हो सकता है, जहां तक तो मुझे समझ में आता है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो डिजाइन उसने खुद बनाया था।
अब ये सब क्या है? शायद कोई वजह हो इसके पीछे। और वैसे भी लड़कियों को जानना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। बस यही वजह है जो मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया है। एक तरफ वो प्यारी डेव थी जिसे मैं जानता हूं, और दूसरी तरफ नाकाबिले यकीन बातें करने वाली डेफनी। झूठी चुड़िया उड़ जाएगी एक दिन, बल्कि उड़ चुकी है पहले से। बात सुनो, तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम्हारी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही। नहीं तो ठीक हूं मैं, देखो ठीक हूं मैं बिल्कुल। सब कुछ मेरी वजह से। काश मैंने इतना कर्जा नहीं लिया होता भाई। लेकिन अगर तुमने कर्ज ना लिया होता तो मेरी उमर से मुलाकात भी नहीं होती। अच्छा, अब क्या होगा? क्या पता, मुझे नहीं पता कुछ भी। शादी में आता है या नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब कि अगर आया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ ये बात तो है। अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कल तो मेरी शादी है। डेफनी, सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कल मेरी शादी है। या अल्लाह, उफ यार मुझे गर्मी लग रही है। इस कोट में मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं उतार रहा हूँ इसे। मेरी मदद करो यार इसको उतारने में। अच्छा अच्छा, ठीक है, आराम से, मैं कर रही हूँ ना। बात सुनो नजमी, हमने साथ के लिए कोई चीज तो ली नहीं है। ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना बीमार को देखने? फ्रूट्स ले लेते हैं। नहीं नहीं, फूल ठीक रहेंगे, फूल ले लेते हैं। सुदेव, फूलों की दुकान आए तो रोकना बेटा, फूल लेंगे। नरवीन, तुम्हें वहाँ से क्या लेना है बताओ मुझे। अरे नजमी, क्यों गुस्सा हो रहे हो? बोला तो है फूल लेंगे रास्ते से। अगर तुम्हारी टांग टूटे तो कोई खाली हाथ आएगा क्या? अब मेरी टांगे क्यों टूटने लगी भाई नरवीन? हमें लेना है, तुम गाड़ी रखो। बेटा रहने दो, कहीं हम ट्रैफिक में ना फंस जाए। इस कार से भी दिल भर गया है मेरा, नहीं लेनी होगी हमें। इस गाड़ी की तो रफ्तार ही नहीं है, कितनी स्लो है। अभी तो ली है ये कार नरवीन। बस कह दिया चेंज करेंगे इसको। अच्छा अब हम कार भी बदल दें। हाँ, जब एक है तो दूसरी गाड़ी लेने की जरूरत क्या है? हाँ, काश हमारे पास दो गाड़ियाँ होती तो फिर हम उसमें घूमते। एक में तुम जाती, एक में मैं जाती। हाय कितना अच्छा आइडिया है ना। नहीं घूम सकते क्या हम वीआईपी कार में? इतने रईस तो है ना। नरमीन, क्या हम लोग वाकई रईस हैं? क्या इस तरह हम तीन चार गाड़ियों में जाएंगे? ज्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ। हाय एल, पता नहीं कैसा होगा, कैसी तबीयत होगी उसकी। अभी तो जाके ही पता चलेगा क्या हो रहा है वहाँ। नरमीन, तुम लगता है वहाँ गीबत करने जा रही हो। हाय नजमी, अफसोस हुआ, तुम जानते हो कि गीबत से मुझे नफरत है। ओह जानता हूँ। मैं सिर्फ एल्प के लिए जा रही हूँ, उसमें इतनी शब्दम से कोई काम नहीं मुझे। मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ। हाय देखो ना, शबनम ने भी अपना इतना प्यारा सा साथी ढूंढ लिया, और एक हमारी है, उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं। ओफ अम्मी ओफ। बेटी तुम कार चलाने पर ध्यान दो, और तुम मुड़ते हुए इंडिकेटर का इस्तेमाल करो। अच्छा बाबा, आप मुझे टेंशन मत दे। बस एहतियात से चलाओ, मुझे डर लगता है भाई। हाय हाय, मैं बोर हो गई हूँ, कुछ म्यूजिक लगाओ भाई। अरे भाई नरवीन, ये क्या करने लगी हो? चलती हुई गाड़ी के अंदर ऐसे मत करो, मरवाओगी क्या हम सबको? ओह सिनान, तुम्हें देखने के लिए मैं क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। अम्मी रुक जाए, पीछे होके बैठ। मैं जरा चेंज करने जा रहा हूँ। मैं भी आऊँ क्या? फिक्र ना करो, कर लूंगा। तुम्हारी तनाई का कोई एंड नहीं।
और ये हर दिन बढ़ती रहेगी, और ये हर दिन बढ़ती रहेगी। क्या शुरू से ये ऐसा ही था, क्या शुरू से ये ऐसा ही था, पता नहीं, पता नहीं। छोटे होते रोना कितना, छोटे होते रोना कितना अजीब था। आदि हो जाता है इंसान वक्त, आदि हो जाता है इंसान वक्त के साथ। टूटना, टूटना, क्योंकि बार बार गिरना, क्योंकि बार बार गिरना। फिर सपनों पे खड़ा हो, फिर सपनों पे खड़ा हो। और तन्हाई हर वक्त मिले, और तन्हाई हर वक्त मिले। दर्द और वक्त मिले साथ, दर्द और वक्त मिले साथ। मैं बस इंतजार कर, मैं बस इंतजार कर। और मैं नहीं, और मैं कोई बात नहीं कर सकता। हसरत और तन्हाई से लड़, हसरत और तन्हाई से लड़। बस मुझे इंतजार, बस मुझे इंतजार। हाय, पूरी जवानी बिस्तर पे गुजारोगे? गुजर जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लंगड़े हो गए। मुझे पता है क्या लग रहा है, तुम पे किसी ने जादू कर दिया। अरे यार, अब ये जादू कहाँ से आ गया? ए देखो तो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है उस हादसे के बाद। तुम्हें अफसोस हुआ? हाँ जान, शबनम नाम है अफसरदा सा। ये नाम कहाँ से आ गया? अगर तुम उसी वक्त मर जाते तो मैं शादी कर लेता। जवान औरत है और मुझसे अच्छा कौन मिलेगा उसे। अरे क्या चाहते हो, अकेली बोर हो जाती वो? हाँ देखो तो, आसपास इतने खूबसूरत आदमी हैं, इतने पैसे वाले भी हैं, किसी को भी पैसे देके शादी कर लेती वो अपनी। मेरा मतलब है कोई मालदार आदमी के साथ। अरे तुम तो बस थोड़े से दिन दुख मनाओगे और फिर ठीक हो जाओगे दोबारा से, और उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अरे काश के मैं शबनम होता। अल्लाह, चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। उमर की तरह तो ना बोलो, वो तो मेरी जान बहुत ज़हीन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम आर्टिस्ट थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। अरे अल्लाह, तुम एक चीज़ बनाकर दिखाता। नहीं नहीं, वहीं 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 चुप, अजीब से लड़के। या अल्लाह, मैं क्या सोच रहा था इन सब बातों में, मैं असली बात तो बताना भूल ही गया। हाँ, तुम्हारी मौत। हाँ, अगर हम ऐसा सोचें कि तुम मर गए हो तो तुम एक गरीब आदमी होकर मरते, अगर तुम अमीर आदमी होते तो लोग तुम्हें याद रखते शायद। मैं तुम्हारी मैयत का सारा इंतजाम करता, एक अच्छी सी फोटोग्राफ को बड़ा करवाता, लोग उसके ऊपर फूल डालते, साइड भी ऐसा बनाता कि कोई देखता तो मजा ही आ जाता। खाना तैयार है। अरे तुम आ गई। हाय अल्लाह, आओ बैठो, आओ आओ मेरी जान। हम लोग एक काम करते हैं, गोश्त खाने चलते हैं, गोश्त खाने, मरीज कहीं का। मैं कोट लेकर आया था अपना, पता नहीं कहाँ भूल गया मैं। हाय सिनान का भी चेहरा बिल्कुल चांद की तरह हो रहा है, बेचारा रो रहा होगा बैठा हुआ। हाय शायद तुम्हारे से आखिरी मुलाकात है। चलो मैं चलता हूँ, चलो हटो, रास्ता तो मुझे जाना है। Thank you.
हेलो सिनान। यास्मीन कैसी हो तुम? मैं ऑफिस में ही हूँ, मैं घर में नहीं रुक सकी। एक्चुअली मेरे जहन में कुछ आइडियाज आ रहे थे, मैंने सोचा तुमको बता दूं, भूल न जाऊं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम ये बताओ कि डेफनी के बारे में ईमेल किसने भेजी है हमारे पास? मत पूछो, बहुत ही बुरा हुआ। किसी को समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है, किसने मेल करी थी वो। मेरे ख्याल से इस मामले में बैठ कर बात करनी चाहिए, कहीं कोई गलती हुई है। तुम परेशान ना हो। क्या वाकई? हाँ देखो, हम सब बुरे हालात से गुजर रहे हैं, तुम मैं। अच्छा वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये मैसेज किसने किया होगा? क्या मालूम नहीं, कोरे ने नहीं किया, सबको उसकी आईडी से मैसेज आया है। नहीं कोरे नहीं है, कोरे को कुछ नहीं पता, किसी ने उसका नाम इस्तेमाल किया है। यानी इस काम के पीछे किसी और का हाथ है? हाँ बिल्कुल। चलो मैं फिर सोचती हूँ इस काम के पीछे किसका हाथ हो सकता है, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है। सिनान को शायद अंदाजा हो गया है, क्या मैं उसको बता दूं सब?